मॉर्निंग दोस्तों, एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई राइड, और देख के चला करो। आज की राइड जो है हमारी, मेरा दूसरा सपना पूरा करने वाली राइड है। ये राइड देहरादून से गोवा तक की है और अभी शुरुआत हो गई है। हमारे ग्रुप ने मेरे लिए एक छोटी सी सी ऑफ राइड रखी है। सबसे पहले हम लोग मंदिर जाएंगे, उसके बाद वो लोग वापस आएंगे और मैं गोवा के लिए निकलूंगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा, आप लोगों को अपने रास्ते, अपने अनुभव, इन सब से अवगत कराता रहूंगा। छः 50 हो गए हैं लगभग और लोग लगे हुए हैं। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, स्वस्थ रहने के लिए ये भी जरूरी है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, सारे के सारे साली आंखों में मिर्ची चली गई अभी ढाबे पे। दो है, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। बिग विन की याद दिला रही है मुझे बार बार। क्या चीज? अरे बिग विन की तो बात ही मत कर यार। आओ जी आओ। आज कहाँ तक जा रहे हैं? आज आ रहे विंध्यवासिनी। वो कहाँ है? ठीक है सर, चलो आज हंटर पे। आज हंटर पे क्या बात है, क्या राइड बात है। एकदम ठीक है, चलो। लाइव लोकेशन शेयर करते रहना जब हाँ, तक लोग। वो करता रहूँगा। हाँ, ओके, मैंने 2-3 ग्रुप बना दिए हैं, उन सब में डाल दूंगा। राइडर मेनिया गोवा, 18 से 20 नवंबर, बस निकल रहे हैं हम लोग। चलो थोड़ा सा आगे ले लो सर, मेरे ग्लव्स। चलो चलो मालिक, हाँ विपिन सर सबसे आगे, विपिन सर सेकंड नंबर पे। चल भाई चल चल दांते चल।
जय माता रानी। आगे लाना। हाँ जय माता रानी। लंबी यात्रा। हाँ वही करता हूँ। पीछे और जा रही है। अरे आराम से स्टैंड लग जाएगा। थोड़ा वेट हो गया ना आज। नहीं मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, आप लोग निकलना, फिर मैं अपना बोलता हुआ निकल जाऊंगा। तू पहले निकालना। आज ये लेग गार्ड ना लूज हो गए मेरे ख्याल से। मुझे 4 दिन कंटिन्यू चलानी पड़ेगी। दिन दिन में 3 रात का स्टे तो लेना ही पड़ेगा। चल छोटे, थैंक यू। यहाँ से भाई लोग जाएंगे अपने अपने घर के लिए, और सहारनपुर रुड़की मेरठ वाले रास्ते पे हम निकल पड़ेंगे। 176 इज मेरठ, और जैसे जैसे रास्ता पार होगा अपडेट देता रहूँगा। भाई लोगों से दुआ सलाम हो गया है, और बहुत जल्दी मैं इनसे मिलूँगा। विपिन भाई से मिलेंगे गोवा में, और पूरी कोशिश रहेगी अर्चित की जिस दिन पार्टी दे रहा है उस दिन हम भी पहुँचें। चलो बाय बाय बाय। थोड़ा रास्ता यहाँ का भी सही नहीं है। वहाँ से एक टनल बनेगी और यहाँ से एक रोड बनेगा, जो यहाँ पर एक नदी है उस नदी के ऊपर काफ़ी लंबा ब्रिज बनेगा, जो कि पहाड़ों पर जो जिग जैग जा रहा है उस सीधा सीधा नदी के थ्रू आगे रास्ता जाएगा। रिपेयरिंग पैच किए गए हैं। दिल्ली है,
चलो जी, उत्तराखंड से निकले और पहली सीमा शुरू होती है यूपी की। आज यूपी या एमपी, देखते हैं रात को स्टे कहाँ होता है हमारा, यूपी में करते हैं या एमपी में करते हैं। घर से अच्छा खासा नाश्ता हो चुका है तो अभी कहीं रुकने का सवाल ही नहीं होता। दोस्तों, देहरादून से सीधा चलने के बाद लगभग लगभग 137 किलोमीटर चलने के बाद मैंने पहला स्टॉपेज लिया है। एचपी का पेट्रोल पंप है मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर मैं स्टॉप ले रहा हूँ पहला, ताकि पेट्रोल भरवाया जा सके। यहाँ पर ब्लिंक होने लग गया मेरा, अभी बंद हो गया है, एफ मीटर चालू हो गया। 35 किलोमीटर मैंने ट्रिप एफ पे भी चला दी है गाड़ी, और टोटल मैंने अभी तक घर से 137.2 किलोमीटर चलाई है। थोड़ा सा मैंने गाड़ी को रोका है ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और उसके बाद मैं पेट्रोल भरवाऊँगा। और रुका हूँ तो थोड़ा सा पानी पुनी पीकर फ्रेश होकर और फिर आगे निकलूँगा। 5-10 मिनट का पहला स्टॉप ले ही लेता हूँ 137 किलोमीटर पर। ये दिल्ली मुजफ्फरनगर हाईवे बाईपास है देहरादून से आते हुए। धन्यवाद। पेट्रोल फुल हो गया है और अभी तक 138.4 किलोमीटर चल रहा हूँ, और ये हो गया ट्रिप बी। इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। 2.4 की एवरेज इसने बताई है मुझे, 42 की एवरेज दी है अभी तक। अब यहाँ से ज़ीरो हुआ है, देखते हैं इस 10 लीटर में मैं और कितना चल पाता हूँ। चलिए जी, चाय पानी। प्यास तो लग ही रही है, थोड़ा सा चल भी ग्रहण कर लें। जल के लिए कहाँ है, लकी दा। हेलो दोस्तों, गोवा राइड का पहला दिन, दूसरा स्टॉपेज। ये मैं दूसरा स्टॉपेज लिया है ग्रेटर नोएडा से थोड़ा आगे जेवर के पास। यहाँ से आगरा रह जाता है लगभग लगभग 160 किलोमीटर। बस 160 किलोमीटर और शाम तक आगरा, या फिर देखते हैं आगे का हाल क्या होता है, ट्रैफिक कैसा होता है। अगर ग्वालियर रहा तो मैं ग्वालियर पहुँचूँगा, देखते हैं आज कहाँ तक कवर होता है। अभी कोई ख़ास थकान नहीं लग रही है, रोड बहुत ही अच्छा है। हाँ, देहरादून से आने के बाद, मेरठ के बाद थोड़ा सा जाम था, क्योंकि मैं मोदी नगर और अंदर वाला रास्ता लेकर आया था। वहाँ से फिर पेरिफल पे आया, पेरिफल से सीधा ही ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से मैं अभी टोल रोड पे आ गया हूँ यमुना एक्सप्रेस वे पर। तो जैसे जैसे मैं आगे चलूँगा आपको अपडेट कराता रहूँगा। माउंटेन हॉप बहुत जगह पहुँचेगा जल्दी जल्दी। चलो, अगले अपडेट और फिर आपको मैं देता हूँ थोड़े टाइम के बाद। बस बने रहिए आप हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करते रहिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज स्वागत है मेरे चैनल पर। और गोवा का पहला दिन, और बस आगरा पहुंचा था तो थोड़ा सा रुक गया था, लेकिन मुझे अभी आगे जाके रुकना है।
तो लगभग 450 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और आगरा में पहुंचने वाला हूं। यमुना एक्सप्रेसवे पर अकेले चलते चलते मैं आज बोर हो गया। रास्ता काफ़ी क्लियर है, क्लीन है, लेकिन काफ़ी लंबा है, जिसमें आदमी ना ऊब जाता है। बस पांचवा गियर डालो और चलते रहो चलते रहो, कोई ब्रेक नहीं, थोड़ा सा अकड़ जाता है बंदा। बस मैं पहुंच गया हूँ आगरा, और यहाँ से अब मैं आगरा नहीं रुकूँगा, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 4:19 हो रहे हैं, तो बेटर है कि मैं ग्वालियर ही पहुंचूं और ग्वालियर के आसपास ही कहीं मैं रुकने की अपनी व्यवस्था करूंगा। तो चलो चलते हैं, सूर्य देव के पीछे अस्त होने के लिए जा रहे हैं, नहीं दिख रहे, काफ़ी तेज प्रकाश है इनका। चलो बस मेरा रास्ता भी थोड़ा सा रह गया है, 100-150 किलोमीटर और मैं ये पूरा करता हूँ। थैंक यू।